तो दोस्तों कहते हैं कि गांव की मिट्टी में एक अलग खुशबू होती है, और मैं गांव घूमने आया तो महाराज चौधरी यहाँ गुहा गुह की खुशबू आवा थे। हाँ यार सचमुच का हीरो लगता है। सही में हम गवार हैं, पढ़े लिखे तो बस आप हैं। अब देखिए ना, आपने हमारी बेइज्जती भी नहीं की और कचरा भी कर दिया। एक बार फिर लेकर के आया हूँ महिला घाट का पुल। नमस्कार, मैं अमित कुमार। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा है, तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ कि जो महिला घाट का पुल है वो किस प्रकार से दिखता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ जो महिला घाट का जो पुल है वो किस प्रकार से दिखता है, क्योंकि ये जिला चित्रकूट से कौसाम्बी को जोड़ता हुआ एक पुल है और ये मऊ के ही करीब पड़ता है, यानी मऊ में ही पड़ता है। मऊ वाले ज़्यादातर ये खोज कर देखते हैं, मुझे पता है। तो जो भी मऊ से देख रहे हैं या फिर जिला चित्रकूट से देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो जिला चित्रकूट की देखना है तो इस चैनल को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जो महिला घाट का पुल है वो किस प्रकार से दिखता है। और जो भी आपको कोई भी कमेंट करना हो या आपके मन में कोई भी सवाल, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और रही बात इस पुल की, तो मैं आगे चल करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आपको दिखा ही दिया हूँ। बहुत सारी वीडियो आप देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि यार लाइव बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ। अब रोज़ कहाँ तक आ सकते हैं भाई भाई, रोज़ एक एक दिन का तो अपडेट दे नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ दिनों बाद ही तो अपडेट दे सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या कितना काम हो चुका है। तो चलो चलते हैं, तो आपको फुल डिटेल साथ बता दें। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे सेल्फी रील बनाने, आप देख सकते हैं ये सारे लोग रील बनाने। और पुल का लुक तो जो है ही, और यहाँ पे जो किनारा है ना जमुना जी का, उसको लुत्फ़ उठाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर लड़के। देखो रील फ़ोटो हम भी बहुत सारे खींचे हैं, बहुत सारे रील बनाए हुए हैं, वो आपको सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ का दिखाया था, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार एक बार फिर जा कर के दिखाओ कि कितना काम हो चुका है। तो पिछले वीडियो में आओ ना यार। और यहाँ पे भाई गहराई देखो, नाव आई हुई है, बहुत सारे लोग उस पार से आए हुए हैं और जा रहे हैं, और इस पार से भी जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखो गाड़ियाँ चढ़ रही हैं। आपने मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ नाव की वीडियो आपको दिखाया हूँ प्रॉपर तरीके से, तो आप देख ही सकते हैं। और सोच रहा हूँ और अंदर चल के दिखाता हूँ आपको, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ का जो व्यू है वो किस प्रकार से है। शाम का वक्त हो चुका है और ये काम चल ही रहा है। और चली आओ, को मना कही तो चले आओ ना भाई। ये लाऊ है नहीं, लेकिन अपने रिक्स में आ रहे हैं। और देख लीजिए किस प्रकार से ये जो उधर बने हुए हैं डिवाइडर इस साइड, वो आप ये ना समझना कि कोई अलग से बना करके रखा गया है, यहाँ प्रॉपर तरीके से सरिये से बंधा हुआ है, खतरे की बात नहीं है। और मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। देख लो भाई, डर बहुत तगड़ा लग रहा है कसम से। देखो भाई गजब का व्यू आ रहा भाई, देखो भाई। चलो मैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। देखो गजब का व्यू आ रहा है।
देखो इतना सारा काम हो चुका है, आपको मैं लाइव भी दिखा रहा हूँ। और इस समय हम नदी यानी कि जमुना जी के बीचों बीच ही में आ गए हैं, आप देख ही सकते हैं। ये देखो भाई, एकदम बीच धार में आ चुके हैं। देखो यहाँ से नदी भाई कितना गहरा है भाई, डर लग रहा है यहाँ से वाकई में। देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है। अब ये समझो कि 99% काम हो चुका है, क्योंकि ये जब पिछले वीडियो में आपको दिखाया था तो ये सारा जगह काम चल रहा था, लेकिन अब ये ज़्यादा एक ही पिलर बाकी, यानी कि 99% काम पूर्ण हो चुका है। और एक ही % मानो कि काम पूर्ण होने से बचा हुआ, यानी कि आप मान लीजिए कि 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देख ही सकते हैं किस प्रकार से व्यू है, और मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए किस प्रकार से दिखता है। और जितने भी सारे जिला चित्रकूटवासी देख रहे हैं, मऊ से देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है और कितना है। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि यार दिखाओ कितना क्या हो चुका है, तो आप देख ही सकते हैं कि लगभग वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और देखो यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से निभाई किया गया है। देखो पिलर वही बचा हुआ है और तो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर सब्सक्राइब दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं एक ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।